जी हाँ, बड़ा ही सुंदर ये रंगारंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। गांव बराखोर में, बराखोर भरतपुर राजस्थान में, इसके गायक हैं चौधरी अमर सिंह, गांव नीतन मस्त सिंह, सादाबाद हाथरस उत्तर प्रदेश से ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे बड़े भाई पवन कुमार उजरई जाट खंडौली आगरा उत्तर प्रदेश से, पेड़ की झनकार सुन रहे हैं भाई प्रेम सिंह जी उबार राजस्थान से, और झीका की झनकार सुन रहे हैं पंडित घनश्याम जी रूपास राजस्थान से। इसकी वीडियो की रिकॉर्डिंग आप लोगों तक जो पहुंचा रहे हैं पंडित रोहतास डीजे साउंड सर्विस जनूथर राजस्थान से। आइए एक बार प्रस्तुति आप लोगों तक पहुंच रही है, सुनिएगा। परम आदरणीय विराजमान हमारी कमेटी के मेंबर पधारे हुए जितने भी चिकड़ी के प्रेमी श्रोता मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, सर्वप्रथम चौधरी अमर सिंह की ओर से आप सभी के चरणों में नमामि नमस्कार, राम राम सब। आदरणीय महान भावों, आपके बीच में बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकार पधारे हुए हैं। मैं तो अपने आप को बहुत छोटा कलाकार समझता हूं, उनके चरणों की रज के बराबर भी नहीं। लेकिन कहते हैं कवियों की कविताएं गायकों की गायकी अलग अलग हुआ करती हैं। गौर दीजिएगा, चार पंक्तियों में कवि ने लिखा है, भैया जी क्या लिखा है सुनिए। संग जरे पुत्र वही जो पिता के, और कहा है कि राजा वही के राजा वही सब भा संपत्ति के यार घने पर मित्र वही जो कि विपत पड़े को। आइए, जैसा कि आप सभी जानते हैं क्योंकि ये पुराना दंगल है, पुराना मेला है, और यहां पर वास्तविक झिकड़ी के जानने वाले श्रोता हैं। आइए झिकड़ी की वास्तविक जहां से शुरुआत होती है साखी से, आइए उस मर्यादा को बनाते हुए और वास्तविक जो झिकड़ी की साखी है दो लाइन की, वहीं से शुरुआत करेंगे। सुनिएगा क्या कह रही है भैया साखी। अरे नारी अरे नरतनी काहे पेतियो है गर्भ गुमा
मान रे भरोसो और नहीं जावे शादी कृपी के साथ हो गई। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम अश्वस्थामा रखा गया। आहा बंधुओं, आज कृपी के आंचल में अपने पुत्र को पिलाने के लिए दूध नहीं है, इसलिए स्वामी से बार बार निवेदन करती है, स्वामी आप मेरे पुत्र के लिए दूध की व्यवस्था कीजिए, एक गाय लेकर के आइए। कहा है के नार कृपी कहे द्रोणापत से, अरे नार कृपी कहे द्रोणापत से, मेरो भूखत रोबे छैया है, अरे इंतजाम कछु करो, पिया एक लाओ दूध की गैया है। रोतो कुमर लख्यो नहीं जावे, रोतो कुमर लख्यो नहीं जावे, इकलौतो लाल हमारा ओ
और वो लगे जानते प्यारो कह दिया ये मेरा बेटा मेरे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है, आप इसके लिए दूध की व्यवस्था कीजिए। आहा, जब द्रोणाचार्य जी ने ये शब्द सुने, बंधुओं कहते हैं आप एक गाय की मांग करती हो, अरे मेरा मित्र है जो कि राजा है उसके पास जाऊंगा और एक नहीं मैं तो हजारों गाय लेकर के आ सकता हूं। आप अपने मित्र के पास जा रहा है, मन में मगन चलो फिर द्रोणा, भूप द्रुपद ढिंग आयो है, अरे कुरकुल की जाने बात करिए और बचपन याद। आप अपने मित्र के पास पहुंच गए और जाकर के अपने मित्र को बचपन की याद दिला दी और क्या कह रहे सुनिएगा। जब द्रोणाचार्य जी ने बताया कि हम तो मित्र हैं, तो आज राजा द्रुपद जवाब दे रहा भैया कैसे, और जे भारी विप्र तेन डारे और तेरे जैसे, अरे तेरे जैसे और जे भिक मंगार मेरे रोज खड़े रहे मित्र कैसे हो सकता है, मेरी और तेरी बराबरी क्या है, मैं एक राजा और तू एक भिखारी। आइए समय की तरफ इशारा और एक गीत आपके सामने प्रस्तुत करूंगा।
गौर कीजिए, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन यमराज को शेर बना करके राजा मोरध्वज के दरवाजे पर पहुंच गए, बंधुआ आज जाकर के राजा से कहा कि हमारा शेर भूखा है, इसे भोजन कराइए। और भोजन में कहा कि अपने बेटे को अपने हाथों से चीर करके हमारे शेर को भोजन कराओ, और शर्त यह है कि रानी और राजा की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। बंधुओं, जब राजा ने सुना, सुनकर के चकित रह गए, दंग रह गए, रानी के पास में पहुंचे, जाकर के सारी स्थिति बताई। आहा बंधुओं, जब रानी ने यह बात सुनी, रानी कहती है, स्वामी ये आप कैसी बातें कर रहे हो? अरे आप सोचिए, जिस बच्चे को 9 महीने हमने गर्भ में रखा और उसको पाला पोसा बड़ा किया, और आप कहते हो कि अपने ही हाथों से उस बच्चे को चीर दिया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? और स्वामी, और अगर चीरा भी जाए तो आंखों में आंसू ना आए, ऐसी कौन मां हो सकती है? आज बार बार अपने स्वामी से कहती है, क्या कहती है सुनिए। फिल्मी दुनिया वालों ने एक गीत गाया, बड़ी पुरानी धुन है, सुनिए। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, तूने नहीं जाना सारे जग ने कर रहे हो
भाई पिंटू जी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देख कर लहू ये गुलशन हमने ही सींचा है, देख कर लहू ये गुलशन हमने ही सींचा, हाथों से कैसे हाथों से कैसे उजाड़े बगीचा, देख कर लहू ये गुलशन हमने ही सींचा। ओ बेटा मेरा प्यारा, इसी बीच ये 201 रुपए का पुरस्कार पंडित रोहतास डीजे साउंड सर्विस, इनकी जहां तक पढ़ाई की जाए वो कम ही है। क्यों? क्योंकि वास्तविक इन्होंने इस झिकड़ी को आगे फैलाने का बढ़ाने का काम किया और जन जन तक इसका प्रचार प्रसार किया और अपने साउंड के माध्यम से, अपने YouTube चैनल के माध्यम से इन्होंने अपना, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का, राजस्थान का नाम रोशन किया। सुनिए आप, रानी कह रही है स्वामी, हाय बेटा मेरा प्यारा, ओ बेटा मेरा प्यारा आखितारा, बेटा मेरा प्यारा आखितारा, तेरा प्राण प्यारा है, तेरा प्राण प्यारा, तेरा प्राण प्यारा है। जवाब नहीं पवन भैया आपका। आज वो रानी मन में विचार कर रही है कैसी संकट की घड़ी आई है, ईश्वर के सामने जाकर के खड़ी हो गई है। विधाता कहा हो, वचन कैसे प्रीतम का हो, हो, हाय वचन कैसे प्रीतम का विधाता मिटा लूं, वचन कैसे प्रीतम का संकट की घड़ी आई है। हो 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 हो, फंसी मेरी नैया, फंसी मेरी नैया, फंसी मेरी नैया बीच धारा, फंसी मेरी नैया बीच धारा, तेरा प्राण प्यारा है, तेरा प्राण प्यारा, तेरा प्राण प्यारा है। आइए अंतिम लाइनों में गीत को विराम देंगे, लेकिन उस माँ का दर्द, उस माँ के दिल की आवाज, उसकी टीस जो उसके अंदर कसक है वो उसे सामने रख रही है,
कहा हे स्वामी सुनिए हो किया है निछावर प्रेम सा